हेलो दोस्तों, स्वागत है भोजपुरी या भौजी के ब्लॉग वीडियो में। आप लोग के हाथ जोड़ के नमस्कार दोस्तों। तो कैसन बानी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। जहाँ भी रहिए अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए दोस्तों। लेकिन क्या बताए दोस्तों, बहुत दुख हो रहे दोस्तों। ऐसा बात सुन सुन के कुछ काम करने में मन नहीं लग रहा दोस्तों। बहुत दिमाग टेंशन में चल रहे सबका। आज एक के साथ एक घटना हो रही दोस्तों, कारगुले पूरे इंडिया में वीडियो देख रहे सबको। पूरे इंडिया में हलचल मचे दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि क्या क्या सब चल रहा है। तो हम ये आधारित पे बात करना चाह रहे दोस्तों, मालती चौहान के जो घटना हुआ है। कोई बोलते है खुद के फांसी लगाई है, कोई बोल रहे उसका पति ने फांसी लगा चुके हैं, उसको पति मार डाले उसको फांसी लगा कर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कोई इंसान फांसी लगाएगा तो पंखे के फंदा में लटका रहेगा, लेकिन थाना आने के पहले, पुलिस आने के पहले वो लोग हटा दिया गया है दोस्तों। लेकिन ऐसा कुछ भी होते है, इतना उसका वजन था तो पंखा के डंडे भी चोर हो जाना चाहिए दोस्तों। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसके पूरे शरीर अच्छा खासा देख रहे दोस्तों। इतना हंसत खेलत चेहरा, कैसे वो इंसान पत्थर बन के उसको जान ले लिया दोस्तों। आप लोग समझ सकते हैं तो क्या है? पूरा इंडिया में औरत लोग कमजोर देख रहे दोस्तों, तभी ना औरत लोग के साथ इतना घटना घटते जा रहे हैं। पुलिस थाने हाथ पे हाथ रख के घर पे बैठा है, कुछ तो करना चाहिए कार्रवाई। जो उसको हत्यारा होगा दोस्तों, उसको ज्यादा से ज्यादा सजा देना चाहिए उसको। जो भी व्यक्ति मारा है कि खुद मरी है, जहां भी रहे उसको भगवान आत्मा को शांति दे। लेकिन दो जन बीच में उसको टांग लड़ाकर उसके घर बर्बाद कर चुका दोस्तों। लेकिन जो उसको घर बर्बाद किए होंगे दोस्तों, अच्छे से चैन से नहीं रहेगा कहीं। आज उसके घर बर्बादी करने में जो रिक्विजिट दिखाया है, क्या किया है नहीं किए है दोस्तों। क्या आदमी लोग इतना गलतियां करते है तो औरत लोग माफ कर लेती है? आदमी भी हो के भी उसको दूसरे का हाथ नहीं धराना चाहिए था दोस्तों। ये बहुत गलत काम किया है विष्णु राज। तो अब कोई तो देखने नहीं गया है दोस्तों। जो इंसान वीडियो में सुन रहे देख रहे, वही आधार पे कोई भी सुन रहे बोल रहे हैं, कोई अपने आंख से नहीं देखने गया है। या कोई भी मियां बीवी घर के अंदर रहते तो कोई बाहर से आवाज दिए के जाते है दोस्तों। रात को तो कोई देखने भी नहीं जाते क्या कर रहे नहीं कर रहे। तो ऐसा तो दुनिया में किसी के साथ है नहीं सकते कि बीवी अकेले सोए, आदमी गया दूसरे के पास गया है कि कहाँ गया है। लेकिन उसके घर वाले बोले स्टूडियो में था, लेकिन स्टूडियो में था कहीं भी था दोस्तों। लेकिन इसमें जरूर किसी ना किसी के चाल है दोस्तों। तभी वो आपके इतना वो उसका वजन था शरीर के, इतना वो हिम्मत वाली औरत थी, एक आदमी से नहीं मर चुके हुई। उसको कोई ना कोई हत्यारा है दोस्तों, उसको पहले से चाल चले है लोग, तभी उसको जान गया। लेकिन उसको तुम लोग तो जान ले लिए, उसके घर परिवार पूरा बिखर गए। आज हम ये भी हम लोग मान सकते दोस्तों, विष्णु राज हत्या किया है कि कौन किया है, कोई तो उसको देखने नहीं गया है, उसका खाली मिट्टी देख रहे बरंडे में पड़ा हुआ। लेकिन जो माँ बच्चे को 9 महीना पेट में लेके जन्म दिए है दोस्तों, वो बच्चे के ऊपर क्या बीत रहे है दोस्तों। बच्चे को हम लोग भी वीडियो उसका दर्द दिन वीडियो देखते है दोस्तों। हम लोग बहुत पुराने उसके यूट्यूबर है हम लोग, तो बच्चे इतना फूट फूट के रो रहे है दोस्तों। खाली बोल रहे अम्मी मम्मी अम्मी बोल के ऐसा बोलते, वो लड़के को साफ आवाज भी नहीं आ रहे है। अम्मा के पास हम जाएंगे तो कैसा हम लोग के भी लगता है दोस्तों। लेकिन जो माँ खुशियां देती है अपने बेटे को, जो माँ जन्म देती है, तो आज के डेट में कोई भी वैसा खुशियां नहीं देगा दोस्तों। माँ दे देगी खुशियां, लेकिन बाप ज्यादा से ज्यादा देगा खुशियां दोस्तों।
1 घंटे 2 घंटे, लेकिन माँ के बिना बच्चे कैसा रहेगा दोस्तों। तो ये भी उसको अभी एक बार भी नहीं सोची मालती क्या हुआ नहीं हुआ, अपने बच्चे के बारे में कम से कम सोचना चाहिए था उसको। लेकिन उसका बच्चे का तो जिंदगी खराब हो गया, लाइफ खराब हो गया दोस्तों। आज जब बच्चे बड़े होगा तो क्या सोचेगा, कोई तो कोई उसको वीडियो का निशानी मिलेगा। आज जो बच्चे को माँ दुनिया में चले जाते हैं, माँ है तो सब कुछ है, माँ नहीं है तो किसी का भी कुछ नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो उसको मारे होगा दोस्तों, उसको कोई चाल चल के मारा है क्या किया है, लेकिन उसको ज्यादा से ज्यादा कड़ी के कड़ी आप लोग सजा दीजिए दोस्तों, कि दोबारा बेटी बहन के साथ ऐसा नहीं हो कि किसी का भी साथ बुरे हाल। इतना करके इंसान उसको एक कफन कोई नहीं दिया, एक सिंदूर तक नहीं दिया, बहुत बुरे हाल उसके साथ हत्या किया गया है दोस्तों। तो ये वीडियो के माध्यम से हम लोग बोल रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो देख देख कर पूरे घर परिवार सब लोग डर चुके हैं दोस्तों, क्योंकि सबके घर के लोग वीडियो देखते हैं। जब पूरा इंडस्ट्री देख रहे हैं तो घर परिवार भी देखते हैं कोई ना कोई वीडियो, सबके घर में हाथ हाथ में मोबाइल है दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चे 2 दिन के अंदर कितने दुबला पतला देख रहे हैं वीडियो में, हम लोग के वो बच्चे को चेहरा देख कर आँख से आंसू आ जा रहे हैं दोस्तों। हम लोग का भी बच्चे इतना बड़े हो गए लेकिन किसी के पास 1 दिन के लिए नहीं छोड़े हैं। तो आज जब हम नहीं छोड़े तो आज हमारे बच्चे भी किसी के पास नहीं रहना चाहते हैं दोस्तों। इसीलिए जब से जन्म दिए तब से हम लोग साथ में रखे हैं बच्चे को। सबके घर में झगड़ा लड़ाई होते हैं, हमारे घर में तो सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन हम वीडियो के माध्यम से हम बोल देते हैं, लेकिन जब हम वीडियो बना के डालने चलते हैं तब तक हमारा पति भी चुप हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन उसको मारा गया है दोस्तों, जो लेडीज अपने आप को हिम्मत बांध रही है कि हम विष्णु राय से 1 रुपया मांगने भी नहीं जाएंगे, हम खुद भीख मांग के अपने बेटे को पाल लेंगे लेकिन उससे मांगने नहीं जाऊंगी, तो वीडियो के माध्यम से भी लग रहे दोस्तों कि वो लेडीज के अंदर कुछ मानसिक रूप से जरूर उसका अलग था, तभी वो बोल रहे कि हम बुरे तरीके से टूट चुके हैं दोस्तों। अब मरने के 1 दिन पहले वो कितना अच्छे खासा वीडियो डाली है खुशी में, वो वीडियो देखकर लग रहे दोस्तों कि मालती अभी इस दुनिया में है, इस दुनिया से मालती गई नहीं है। हम लोग वीडियो देख देख कर ऐसा लग रहा कि हकीकत में है, लेकिन भगवान करे कि दोबारा उसको मालती के रूप में ऐसा शक्ल के रूप में किसी के घर में जन्म दे दे तो हो सकते हैं अच्छे। हम लोग तो इतना भी सोच रहे दोस्तों, जब मिट्टी उसके उठा रहे थे तो हम घर में अपने घर वाले से बोल रहे थे, ऐसा है कहीं कहीं बहुत जगह हुए है दोस्तों, जब उसका मिट्टी उठ रहे तो हो सकते भगवान उसको दोबारा जन्म दे दे कि वो मिट्टी के उधर उठ के बैठ जाए वो। लेकिन ऐसा कहीं कहीं नसीब बोले के घर में होते हैं दोस्तों। लेकिन वो बच्चे के लिए देख देख बहुत सबके दुख हो रहे दोस्तों, बहुत नादान है बच्चे लड़के, वो बहुत छोटा है दोस्तों, 1.5 साल 2 साल का वो लड़का है, ना ढंग से मम्मी बोल पाते हैं ना पापा बोल रहे हैं, दूध पीने वाला लड़के वो कैसा रह रहे दोस्तों। वो लड़के को भी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत खराब है, उसको मौसा लेके आया था दवा। तो जो हम लोग देखेंगे वही बोलेंगे दोस्तों। लेकिन ऐसा किसी के साथ आप लोग ऐसा जो उसको अपराधी होंगे दोस्तों, उसको आप लोग कड़ी से कड़ी सजा दीजिए कि दूसरा परिवार में लेडीज के साथ ये घटना दोबारा न घटे दोस्तों। एक एक रहता है, एक एक 6 महीने के अंदर दो दो इंडस्ट्री में हो गया ऐसा कांड भोजपुरी फिल्म से, ये बहुत